मेरे उत्तराखंड में महिलाएं पहले से ही जुझारू रही हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए अनेक तरह के आंदोलन किए हैं, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, बलि प्रथा आंदोलन हो या उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन हो। लेकिन वो खुद अपने विकास के बारे में क्या सोचती हैं, ये जानने के लिए मैं पहुंची अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गैरसैंण में। दूर दराज से काफ़ी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होती हैं और काफ़ी महिलाएं अपनी जो भी समस्याएं हैं यहाँ पर रखती हैं। भाषणबाजी होती है, उसमें अनेक प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं और जो कि हमें भी अब तक पता नहीं है, जैसे कि जेंडर पे हुआ तुम्हारा, ये कन्या भ्रूण हत्या पे हुई, जैसे तुम्हारे स्वास्थ्य स्वच्छता पे हुई, इस चीज़ के विषय में यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से समझाया जाता है। आगे देश तक मांग, मेरे को ऐसा प्रभाव लगता है कि मैं भी ऐसे बनूं, फूल जैसे बनूं कि और सीख कर लाऊं कि लड़की और लड़का में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हम आगे बढ़ाने का कष्ट करें और महिलाओं को जागरूक दें। घर में भी हम सभी महिलाओं को अपने बैठक में बताएंगे कि हमारे महिला दिवस में वहाँ आगे से बड़े बड़े क्या क्या हो रहा है। विधायक जी, ये पहली बार हुआ है कि आपकी विधायक निधि से महिलाओं के लिए पैसा गया है, तो आपको ये विचार कैसे आया? ऐसा नहीं है कि विचार पहली बार आया, इससे पहले भी हम लोग इस प्रकार की जो केवल घोषणाएं नहीं, हमने योजनाओं के विकास के लिए जो धनराशि हमको मिलती है उसका पूरा पूरा सदुपयोग किया है। और चाहे वो कहीं पर निर्माण की बात हो, चाहे कहीं पर सामग्री की बात हो, उसको हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। और आज ये क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है, इसलिए सभी लोगों ने इच्छा भी किया, चाहा था, और सभी लोग काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे, इसलिए महिलाओं को पुरस्कार के रूप में कुछ ना कुछ जितना संभव हो सकता था हमने किया है और आगे भी निरंतर ये प्रक्रिया जारी है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गैरसैंण में मैंने पाया कि महिलाएं किस तरह से रोचक ढंग से अपनी बातें एक दूसरे से रखती हैं, अपने अनुभव बताती हैं और उनसे सीखती हैं। मैं चाहती हूं कि अन्य जगह की महिलाएं भी इसी तरह से संगठित हों और अपनी बातें रोचक ढंग से रखें, अपने अनुभवों को रखें, ताकि वो अपने खुद के विकास को कर सकें। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।